व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शुभम और आप देख रहे हैं शुभम गेमर। तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो है बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड टू द अपडेट्स के बारे में। मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस हो गया हूँ, और शायद ये सुन के आप भी बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो जाओगे और आपको भी लगेगा कि इससे क्या होने वाला है और आगे क्या होगा ये गेम में। तो जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो मैं बात आपको बताऊंगा, पर उससे पहले बता देता हूँ। देखो यार, ये जो क्लैश ऑफ क्लैंस गेम वो इतना बड़ा है शायद हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे कि कंप्यूटर के प्लेटफॉर्म में अलग अलग गेम्स होते हैं, प्ले स्टेशन के प्लेटफॉर्म में अलग अलग गेम्स होते हैं, वो लोग इतने बड़े होते हैं। वैसे ही एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म और iOS के प्लेटफॉर्म में ये गेम इतना बड़ा है ना, लाइक रियली कोई भी गेम ले लो ये गेम बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत चीज़ कर सकते हैं। लाइक हम लोग अटैक्स कर सकते हैं, अपना बेस को दो बार बहुत बार चेंज कर सकते हैं, वार्स खेल सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत चीज़ है। तो इसमें शायद हम लोग से कुछ कुछ चीज़ें शायद मिस हो जाती है और हम लोग शायद उसे नहीं देख पाते। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी बोट का अपडेट आया था, बोट का अपडेट आने से पहले क्या हुआ था, एक बोट का टूटा हुआ बोट था जो ऐसे ही रखा हुआ था और वो लाइक ऐसे ही था, पर हमें पता था कि बोट का अपडेट आने वाला है, पर क्या आने वाला है ये हमें नहीं पता था। पर धीरे धीरे जैसे अपडेट आया तो हमें पता चला कि उससे हम लोग एक नया विलेज में जा सकते हैं, जिससे हम लोग बोलेंगे बिल्डअप विलेज, या फिर उसको हम लोग एक नाइट मोड भी बोल सकते हैं। तो ऐसे हम लोग का वो जो बोट था वो रिपेयर हो गया, रिबिल्ड हो गया। तो वैसे ही अभी क्या है, शायद हम लोग उसको जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें हम लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, क्योंकि यह है सिंगल प्लेयर मोड में। सिंगल प्लेयर मोड में जो लोग अभी मेरे जैसे टाउन 9 या 10 में होंगे और सिंगल प्लेयर मोड को एकदम ख़त्म कर दिए होंगे, तो वो लोग ये चीज़ को नोटिस नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो लोग तो सिंगल प्लेयर मोड में आते ही नहीं है। मैं आपको कोई भी अगर एक विलेज जो सिंगल प्लेयर मोड में होता है मैं आपको अगर अटैक करके दिखाऊंगा तो आपको बहुत ही अलग चीज़ सा दिखेगा, आपको एकदम नॉर्मल बेस दिखेगा, जो आपका जो गॉब्लिन का बेस हम लोग अटैक करते हैं एज अ सिंगल प्लेयर मोड, जिसमें हम लोग को लूट मिलता है, जब हम लोग उसको 3-star कर देते हैं फिर वो एकदम कोई काम का नहीं होता। सिंगल प्लेयर मोड मतलब ऐसे ही रह जाता है अगर हम लोग उसको कंप्लीट कर देंगे तो। अगर हम लोग अब इसमें फिर से अटैक करते हैं तो हम लोग का ट्रूप वेस्ट हो रहा है, या फिर हम ट्रूप ही वेस्ट हो रहा है, हम लोग को तो और कुछ मिल नहीं रहा है इससे। पर यहाँ पे जो आपको जो सिंगल प्लेयर मोड में आपको दिखा रहा हूँ, आपको शायद इसमें सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, बट यहाँ पे एक ऐसा सिंगल प्लेयर मोड में एक ऐसा बेस छुपा है, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग थिंग है। तो मैं आपको जो दिखाऊंगा वो है मेगा ब्लास्टर में। आप अपने क्लैन में आप अपने गेम में जाके देखना सिंगल प्लेयर मोड में, और मेगा ब्लास्टर में अगर आप जाके देखोगे तो आपको साइड में एकदम साइड में वो साइड नहीं ये साइड में आपको एक दिखेगा बोट। और इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि ये बोट सिर्फ ये मेगा ब्लास्टर में ही है और भी और किसी चीज़ में भी नहीं है। लाइक और भी बहुत से सिंगल प्लेयर मोड के बेसेस है जिसमें हम लोग अटैक कर सकते हैं, वो सारे कोई भी बेस में नहीं है, सिर्फ यही बेस में है मेगा ब्लास्टर। आप जाके अपने गेम में भी जाके आप सर्च कर सकते हो, आपको भी दिख जाएगा ये बोट। तो ये बोट यहाँ पे क्या कर रहा है, शायद हम लोग का जो जिसका सिंगल प्लेयर मोड ख़त्म हो गया, ये तो एकदम यूजलेस हो गया है, तो शायद ये बोट से हम लोग एक नया सिंगल प्लेयर मोड खेलने का कुछ हो सकता है। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, ऐसा शायद हो भी सकता है या फिर नहीं, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन लग रहा है, मेरे को ऐसा हो सकता है, क्योंकि शायद ये रास्ता होगा एक नया सिंगल प्लेयर मोड का लेवल्स आएगा जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं और भी ज़्यादा सिंगल प्लेयर मोड खेल सकते हैं और अपने आप को ज़्यादा प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अगर मैं आपको ऐसे ही कोई भी रैंडमली आपको अटैक करके दिखाता हूँ वहाँ का विलेज, तो आपको वहाँ पे कहीं पे भी आपको बोट नहीं दिखेगा। तो जैसे कि मैंने मेगा ईवल को सर्च किया तो वहाँ पे एक भी बोट आपको नहीं दिखा और सिर्फ मेगा ब्लास्टर में ही दिखा। तो इसके पीछे का राज क्या है शायद आपको पता है, तो आप जोर से नीचे कमेंट करना #राज और आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो। तो यार आज का वीडियो तो यही था, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा जरूर से आप लाइक कर सकते हो, नहीं अच्छा लगता तो आप डिसलाइक कर सकते हो। ऐसे बहुत से क्लैश ऑफ क्लैंस के वीडियोस में हर एक दिन लेके आता हूँ, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके सामने जो बेल आइकन आएगा उसे भी दबा देना, तो जब भी एक मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप आके मेरी वीडियो को देख लोगे और शायद आपको भी एक नया क्लैश ऑफ क्लैंस का ट्रिक या कुछ नया चीज़ पता चल जाएगा। तो आज के लिए तो यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।